भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहद्दीन नगर में दिन दहाड़े भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शाह की दबंगई देखने को मिली। विजय शाह ने अपने ही पड़ोसी के ऊपर गोलीबारी की घटना को अंजाम दे दिया। घटना की बाबत बताया जा रहा है कि विजय का घटना स्थल पर विवाह भवन है, उसी के बगल में पड़ोसी नवीन शाह का पुराना मकान है, जिस पर नवीन मजदूर के द्वारा अपने मकान में दीवार निर्माण का कार्य करा रहे थे। इसी बीच वहां पर विजय शाह आए और दोनों के बीच रास्ता विवाद को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद विजय शाह ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पड़ोसी के ऊपर गोलीबारी कर दी। हालांकि गोलीबारी में पड़ोसी बाल बाल बच गए। घटना के बाद सूचना पर बबरगंज थाना की पुलिस पहुंची और विजय शाह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उनके लाइसेंसी हथियार को बरामद कर लिया गया है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों में विजय शाह के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। आगे में पिलर दे दिया माधव जो बाबू, आगे पिलर दे दिया और कहता है कि तुमका पैसा दे हम थाना खरीद लेंगे, SP खरीद लेंगे, ऐसे बोलता है विजय शाह। विजय शाह हाँ, विजय शाह हाँ, गाली गोली मेरे आगे में पिलर दे रहा था बाबू, पिलर कहता है, उसके बाद निकाल के पिस्टल ऐसे मार दिया, ऐसे हम हटा के सब जाकर जमीन में लगा गोली। हाँ अभी पेट में घुस जाते गोली तो हम क्या करते, अभी मेरा बाल बच्चा क्या देखता है माधव जो, बताइए आप इंसाफ चाहिए, हाँ इंसाफ चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये पिस्टल है तो इसका मतलब क्या, सरकारी पिस्टल ले लिया तो बर्बाद ही हो गया है, सबको ही गोली देखा था। नवीन कुमार था पिस्टल बरामद किए हैं, गोली चलावा देख लीजिए, चेक कर लीजिए। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार। कौन था ना? मेरा लाइसेंस ही है मेरे पास, 24 क्या काहे गोली काहे चला? सर पर हेलमेट, उस पर लालटेन, बदन पर हरा कपड़ा और लालू यादव, तेजस्वी यादव व राबड़ी देवी की तस्वीर। मनोकामना यह है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। नजारा सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम के रास्ते कच्ची कांवरिया पथ पर दिखा। दरअसल सावन के पावन महीने में कांवरिया लगातार वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। इनमें से भोलेनाथ के तरह तरह के अनोखे भक्त देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम के रास्ते कच्ची कांवरिया पथ पर राजद के कट्टर समर्थक सुमित कुमार, जो मसौड़ी के रहने वाले हैं, वो डाक बम के रूप में सुल्तानगंज से जल लेकर वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। सुमित इस तरह से बन गए हैं कि लोग उनके साथ सेल्फी लेने लग गए हैं। सुमित ने बताया कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, वो विकास करेंगे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, वो देश की सेवा करेंगे। आगामी विपक्षी एकता की बैठक में नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएंगे। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो यह सावन के हर सोमवार को ऐसे ही रूप में वैद्यनाथ धाम जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2019 में भी इसी तरह से वैद्यनाथ धाम गए थे, तब लालू जी काफी बीमार थे, तब वो वैद्यनाथ धाम गए थे, बाबा की कृपा से लालू यादव स्वस्थ हो गए हैं। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक सैलून। लुक सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा भागलपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा एक निर्लज पार्टी है, बिहार नहीं पूरे देश की जनता बीजेपी के चाल को समझ चुकी है, अब बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। भाजपा के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश कभी नहीं पूरी होने देंगे, अब बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है, वो बेचैन हो चुकी है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। कुछ दिन पहले विधानसभा घेराव को लेकर बीजेपी पर पुलिसिया कार्रवाई करते हुए
लाठीचार्ज कर दिया गया था। उसमें कई नेता व कार्यकर्ता घायल हुए थे, जिसमें बीजेपी नेता विजय सिंह का देहांत हो गया था। उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाजपा सिर्फ गाल बजाने का काम करती है, सच्चाई कुछ और ही है। पुलिसिया कार्रवाई से भाजपा के नेता विजय सिंह की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग पूरे बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव को पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए अपने पार्टी के विस्तार के लिए हर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। उसी बाबत आज भागलपुर भी पहुंचे हैं। महागठबंधन की सरकार बनेगी और 40 में 40 महागठबंधन के खेमे में सीट आएंगी। वहीं संविधान की रक्षा कैसे हो और जदयू पार्टी कैसे मजबूत हो, इस पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। साथ में बताया कि विपक्षी एकता को मजबूत करना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। आप जो गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, महागठबंधन की सरकार, और इन 18 वर्षों से गुड गवर्नमेंट उनके सकारात्मक सोच के कारण चल रही है, और इतना बेहतर सभी घटक दल के जो हमारे लीडर हैं सब लोग उनके नेतृत्व में आस्था रखें, तो उसमें कहीं आपको दो मत लग रहा है का सरकार है, सरकार आगे भी क्या पूरे 100 हो जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं जनता के। जनता इस बार समझ चुकी है, जनता इस बार उतारेगी जो कुशासन की सरकार है, निर्लज सरकार है, बेशर्मी को तो हद पार कर दिया, सारे विकट को तोड़ दिया। नहीं, सोशल मीडिया तरफ एक चेहरा, लेकिन हमारे तरफ जो है इधर महागठबंधन में जो विपक्षी एकता है सब चेहरा है, हर लोग जो देख रहे हैं दिग्गज नेता है, कौन चेहरा नहीं आपको दिखाई दे रहा है। ये मामला नहीं है, समस्या ये है कि आज जो खतरा है, जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है बनाया है, जो संविधान खतरे में है उसको बचाना जरूरी है। धन्यवाद। भागलपुर शहर में कई जगहों पर अवैध रूप से शराब की खरीद बिक्री खुलेआम हो रही है। वहीं शराब होम डिलीवरी तक किया जा रहा है। इस पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की खरीद बिक्री और होम डिलीवरी शहर के कई क्षेत्रों में की जा रही है। सिटी DSP अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और जोगसर तिलकामांझी कोतवाली CIT ने इसको लेकर कई जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घोष पार्क लेन जोगसर और आदमपुर के बीच एक ऑटो रिक्शा से शराब बरामद किया गया। वहीं एक लड़के को भागते हुए पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। उसके पास से भी शराब बरामद हुआ। फिर उस युवक से पूछताछ करने के बाद कई बातों का खुलासा हुआ। उस युवक के निशानदेही पर अवैध शराब माफिया संजीव नयन के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। वहां से भारी मात्रा में 352 लीटर शराब बरामद किया गया। इस छापेमारी अभियान में संजीव नयन और कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अंधेरा का फायदा उठाकर सुमित ताती फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। वहीं इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर CT DSP अजय कुमार चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि यह छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। सावन मास में भगवान भोलेनाथ के भक्त भक्ति से सराबोर उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर वैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। भक्तों की भक्ति की अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। कोई भक्त पैदल, कोई डाक बम जा रहे हैं, तो कोई दंड देते हुए जा रहे हैं, तो कई अनूठे कावर लेकर वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। बिहार के ज्ञान और मोक्ष की धरती गया से पहुंचे दर्जनों भर कांवरियों की टोली कांवर में महादेव की शिवलिंग स्थापित कर महादेव को जल चढ़ाने निकल पड़े हैं। ये टोली गया से आई है, जो पिछले कई वर्षों से इसी तरह के कांवर को लेकर जाती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन पर महादेव की कृपा है, उन्हें रास्ते में कोई परेशानी नहीं होती है, महादेव उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम आपको बता दें कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि महादेव सावन के महीने में वैद्यनाथ धाम में विराजमान रहते हैं। इसके लिए कांवरिया कांवर में सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर भगवान भोलेनाथ को जलार्पण करते हैं, बाबा के अपने आप को समर्पित करते हैं। बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि ये कांवर बना के बाबा के यात्रा हम लोग करें, हम लोग मिलकर सभी लोग, हम लोग खुशी पूर्वक हम लोग जितना सहमत है अच्छी तरह से मंदिर बनाए, बाबा का वो अभिषेक करें, उसके बाद हम लोग वहाँ से गया से चले हुए हैं। भागलपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। हर दिन आपराधिक गतिविधियां सामने देखने को मिलती है। कभी चोरी डकैती, तो कभी गोलीबारी, तो कभी बम धमाका भागलपुर में जैसे आम बात हो गई है। इसको लगाम लगाने को लेकर भागलपुर पुलिस काफी मुस्तैद दिख रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना मिली कि कुछ आपराधिक तत्व के लोग शहर में बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। जिनके पास भारी मात्रा में हथियार भी है, वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई और 5 अपराधियों को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार पांचों अपराधी नाथनगर क्षेत्र के मनीष यादव, अभिषेक आनंद, सौरभ कुमार, तुषार तरुण, मंगल, कृष्ण यादव है। पुलिस ने सबों को नौलखा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। सभी पांचों अपराधियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी पाया गया, जिसमें 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, 5 मोबाइल व 1 स्कूटी बरामद की गई। जानकारी सिटी DSP अजय कुमार चौधरी ने दी। भागलपुर पुलिस की मुस्तैदी, बहादुरी एवं त्वरित कार्रवाई के द्वारा एक बड़ी वारदात को टाल दिया गया है एवं मौके से ही 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार ऐसे अपराधियों जो हथियार, लूट, डकैती जैसे बड़ी वारदातों को अंजाम देने के प्रयास किया जा रहा है पिछले कुछ समय से, उनके विरुद्ध भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाई जा रही है। इसी अभियान के तहत कल एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं और वो किसी बड़े वारदात को अंजाम देने वाले हैं। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार होने की भी सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर सिटी DSP के निगरानी में DIU टीम एवं कई थानाध्यक्ष या कई पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक टीम बनाई गई। उस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नौलखा गेट से ऐसे अपराधियों को टेक्निकल सेल के इनपुट्स के द्वारा चिन्हित करते हुए उनको घेराबंदी की गई और उसको चिन्हित करते हुए उसको पकड़ लिया गया। हालांकि पकड़ने के क्रम में उनके द्वारा भागने की कोशिश की गई, उनके द्वारा धक्का मुक्की भी किया, लेकिन हमारे पुलिस और जो भी टीम थी उसकी बहादुरी और उनके मुस्तैदी से ऐसे लोगों को हथियार सहित दबोच लिया गया और एक बड़ी घटना जो हो सकती थी उसको टाल दिया गया। ऐसे जो गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 17 जिंदा गोली, 2 मैगजीन, 5 मोबाइल और 1 स्कूटी बरामद हुआ है मौके से ही। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो मनीष यादव हैं, अभिषेक आनंद, सौरभ कुमार, तुषार तरुण, मंगल कृष्ण यादव, ये सभी नाथनगर क्षेत्र के हैं, रहने वाले हैं। इनके द्वारा बड़ी घटना का योजना बनाया जा रहा था। इनके बारे में आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और पूछताछ चल रही है। इन पे कोतवाली थाना अंतर्गत, कोतवाली बरारी थाना अंतर्गत केस भी दर्ज किया गया है और इनको न्यायिक हिरासत भेजने की तैयारी की जा रही है। जो छापामारी दल है सिटी DSP की निगरानी में, जो टीम बनाई गई थी, उस टीम में आशुतोष कुमार बरारी थाना अध्यक्ष, SI सूरज भूषण बरारी, श्रीकांत चौहान थाना अध्यक्ष ततारपुर, मिथिलेश कुमार चौधरी सब इंस्पेक्टर DIU एवं DIU की टीम और SIT की टीम थी वहाँ मौके पे, जिनके द्वारा ये सफलता हासिल की गई। सावन में अजगैवीनाथ धाम के नमामि गंगे घाट पर मशहूर लोकप्रिय गायिका अनुपमा यादव द्वारा 1 से बढ़कर 1 शिव भक्त भजन की प्रस्तुति दी गई। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम हर शाम श्रावणी मेले में पर्यटन विभाग के द्वारा कांवरियों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें 1 से बढ़कर 1 कलाकार प्रत्येक शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम में भक्ति संगीत की प्रस्तुति देते हैं, जिससे कांवरियों का उत्साह व ऊर्जा और बढ़ जाता है। वहीं अनुपमा यादव की गायकी से पूरा कार्यक्रम परसाल बम बोल बम के जयकारों से गूंजता रहा। वहीं कांवरियों ने इस भक्ति संगीत का जमकर लुत्फ उठाया। भजन मेरा नाम का नाम जपो, भजन मेरा नाम का नाम जपो।
भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय नौगछिया का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में डीआईजी ने कार्यालय के विभिन्न अभिलेखों की जांच की। इस क्रम में अपराध शाखा, हिंदी शाखा, डीसीबी, लेखा समेत कई शाखाओं में संधारित किए जा रहे विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई उस पर पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया गया। डीआईजी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकांश अभिलेखों का 100% निरीक्षण के पूर्व अद्यतन पाया गया है, उसमें थोड़ी बहुत कमियों में सुधार लाने की बात कही गई है। डीआईजी ने कहा कि अपराध से संबंधित जो अभिलेख है उसमें गुणवत्तापूर्ण प्रविष्टियों को किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस निरीक्षक नौगछिया और बिहपुर के कार्यों की समीक्षा अभिलेख मंगाकर की गई है। डीआईजी ने कार्य में सुधार लाने के लिए अलग से निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने कहा कि एचडीपीओ द्वारा जो पर्यवेक्षण किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता एवं पर्यवेक्षण करने में कितना समय लग रहा है, इन सब बातों को परखा गया। इस दौरान पाया गया कि इसमें सुधार की काफी आवश्यकता है। कई मामलों में उनके द्वारा पर्यवेक्षण किया गया है जो पर्यवेक्षण टिप्पणियां काफी विलम्ब से निर्गत हुई है, इस पर सुधार की आवश्यकता है। इसे लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इंस्पेक्टर नौगछिया तथा बिहपुर के कार्यकलाप की समीक्षा की गई। समीक्षा क्रम में पाया गया दोनों इंस्पेक्टर के निरीक्षण कार्य में रुचि नहीं है। डीआईजी ने कड़े लहजे में कहा कि इस वर्ष के 4 महीने बीतने को है और वे एक बार भी किसी थाने के निरीक्षण के लिए नहीं गए हैं। दोनों पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। दोनों अपने अपने क्षेत्र के सभी थानों का निरीक्षण पुलिस मैनुअल के अनुसार साल में 2 बार जरूर करे। दोनों इंस्पेक्टर को 1 बार सुधार का मौका दिया गया है, अन्यथा दोनों पर कार्रवाई होने के बाद डीआईजी ने कही है। डीआईजी विवेकानंद ने पत्रकारों को बताया कि नौगछिया में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए यहां पर ट्रैफिक थाने की आवश्यकता है जो साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं बिहपुर में अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति को लेकर भी पुलिस मुख्यालय गंभीर है, जल्द ही इस पर निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि यहां पर हम लोगों के द्वारा लगातार समीक्षा किया जा रहा है। पुलिस का मूल कार्य ही अपराध की रोकथाम, अपराध नियंत्रण और उनका डिटेक्शन है और यह एक अनवरत प्रक्रिया है। और पुलिस अधीक्षक नौगछिया का कार्यकलाप इस संबंध में काफ़ी अच्छा रहा है। उन्होंने DIU जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसको उन्होंने यहाँ पर काफ़ी मजबूती प्रदान किया है और दक्ष कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की है। और हाल के महीनों में 5 मोस्ट वांटेड अपराधी भी इनके नेतृत्व में गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस मुख्यालय को भी इसकी जानकारी है और हम लोग हर समीक्षा के दौरान इन तथ्यों को रखते हैं। तो इन्हें आगे इनका कार्यकलाप ये इनका कार्य इस तरह का बना रहे इसके लिए इन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। और जो वार्षिक हमारा जो समारोह होता है इसमें इन्हें सम्मानित किया जाएगा। को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए सावन को लेकर पूरे क्षेत्र में जो बांका जिला है, भागलपुर जिला है, नौगछिया जिला है, तो श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आते हैं। और हमारी मूल चुनौती जो है यहाँ पर उनके ट्रैफिक के संचालन से संबंधित होता है और उसे रेगुलेट करना। और जहाँ जहाँ भी लोग जल ले रहे हैं या मंदिर हैं, शिव मंदिर हैं, वहाँ पर भीड़ नियंत्रण ही मुख्य काम होता है। और इस संबंध में ऐसे सभी जगह पर और घाटों पर पुलिस जो है रहती है और भीड़ नियंत्रण का काम कर रही है। सीमित संख्या निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौती है, परंतु जो भी संसाधन है उनका हम बेहतर उपयोग कर इसे जो है क्या सब इंस्पेक्शन में देखा गया। आज पुलिस अधीक्षक नौगछिया के कार्यालय का इंस्पेक्शन मेरे द्वारा किया गया, जिस क्रम में कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में संधारित अभिलेखों की जांच की गई। आज इस क्रम में अपराध शाखा, हिंदी शाखा, सामान्य शाखा, DCB, लेखा इत्यादि सभी शाखाओं में संधारित किए जा रहे विभिन्न अभिलेखों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गई उस ओर पदाधिकारियों का ध्यान जो है आकृष्ट किया गया है और उसमें सुधार लाने की अपेक्षा है। काफ़ी हद तक जो है अभिलेखों को इंस्पेक्शन के पूर्व अद्यतन किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें सुधार की और गुंजाइश है। पर्टिकुलर जो अपराध से संबंधित अभिलेख हैं उसमें गुणवत्तापूर्ण प्रविष्टियों को किए जाने की आवश्यकता है। और इसके अलावा
इस क्रम में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, SDPO हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनके भी कार्यों की समीक्षा जो है अभिलेख मंगा करके की गई और उन्हें कार्य में सुधार लाने के लिए अलग से निर्देश दिए गए। इंस्पेक्टर और SDPO जो हुआ सर, उसमें किस तरह का समीक्षा किया गया सर? देखिए, SDPO द्वारा पर्यवेक्षण जो किया जा रहा है और उसकी गुणवत्ता तथा पर्यवेक्षण करने में कितना समय लग रहा है, इन सब चीज़ों को परखा गया और पाया गया कि इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। कई मामलों में उनके द्वारा जो है पर्यवेक्षण किया गया है तो पर्यवेक्षण टिप्पणी काफ़ी विलंब से निर्गत हुई है, तो इन सब पर सुधार की आवश्यकता है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इंस्पेक्टर ऑफिस के लिए सर, इंस्पेक्टर कार्यालय का, इंस्पेक्टर के कार्यकलाप का जो समीक्षा किया गया तो उसमें मैंने पाया है कि उनके द्वारा निरीक्षण कार्य जो है उसमें रुचि अभी तक नहीं ली गई है और इस वर्ष के 4 महीने करीब बीतने को है, तो इस संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्राधीन सभी थानों का निरीक्षण उन्हें पुलिस मैनुअल के अनुसार हर वर्ष 2 बार करना है और अभी तक उन्होंने एक भी निरीक्षण नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि वो आगे के दिनों में अपने कार्यकलाप में सुधार लाएंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ एवं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सम्मान मिला है। 16 जुलाई को पटना के विशाल विधानसभा हॉल में जन स्वास्थ्य कल्याण समिति द्वारा आयोजित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय संविधान के निर्माता एवं मानवाधिकारी भीमराव अम्बेडकर की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार लोगों या संगठनों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार सामाजिक समझ और राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण का प्रतीक है। पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में सामाजिक कार्य, शिक्षा, राजनीति, कानून और साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति शामिल हैं। इस पुरस्कार को भारत में एक प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त है और यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक समानता और न्याय के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया है। वहीं स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा सहित आपदा से बचाव एवं जागरूकता के सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले शिशु रोग विशेषज्ञ सजीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह को रविवार को बिहार विधान परिषद की पति ने डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सोशल ऑनरेबल अवार्ड से सम्मानित किया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि जन स्वास्थ्य कल्याण समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमें पद्मश्री से सम्मानित सुधा वर्गीस से प्रशस्ति पत्र और मेमेंट मिला है। वहीं इस कार्यक्रम में पद्मश्री सुधा वर्गीस, पद्मश्री डॉक्टर बिमल जैन, लेसी सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर बिहार सरकार अवध बिहारी चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष मंत्रीगण व अन्य महानुभाव बतौर अतिथि इस अवसर पर मौजूद थे। अभिनेता सत्यकाम आनंद, अभिनेता राहुल वर्मा, योगाचार्य संदीप कुमार, पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता के अमराजू, समाज सेवी ऋतुराज वसंत, समाज सेवी विजय राज, नीतू गुप्ता और दशांश ग्रुप के संस्थापक आशीष पांडे एवं अध्यक्ष प्रगति सरगम को अपने सामाजिक योगदानों के लिए सम्मानित किया गया। वहां पर विधान परिषद के उपसभागार में सम्मान समारोह रखा गया था जो अंबेडकर इंटरनेशनल अवार्ड समारोह था, जिसमें समाज के जो वैसे लोग हैं जो अपने कामों के अलावे समाज के लिए भी कुछ वक्त निकालते हैं, उनके लिए सम्मान समारोह किया गया था और देश के कोने कोने से लोग आए थे। राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह से लोग आए थे। तो करीब 97 लोगों को अवार्ड दिया गया, उसमें से भागलपुर में से मैं भी था। यह सम्मान समारोह, जैसा कि वहाँ के वक्ताओं ने भी बोला कि सम्मान समारोह का मकसद होता है लोगों में हौसला अफजाई करना। हम लोग जो काम करते हैं, असली मकसद तो होता है कि समाज में हम कुछ जो समाज से लिए हैं वो हम लौटाएं। देश हमें बहुत कुछ देता है, देश को भी हमें लौटाकर बहुत कुछ देना है, इसी उद्देश्य से काम करते हैं। और इससे लोगों के कुछ कल्याण हो जाए, लोगों को कुछ राहत मिल जाए, जैसे सड़क दुर्घटना में सिर्फ एक मौत भी किसी का बच जाए, गंगा में डूबने से बचाते हैं हम लोग, तो करीब करीब 45 लोगों को बचाया है हमने, जो डूब गया था उसको निकाला है। तो ऐसे उसका परिवार का समझिए कि क्या होता है, जो डूब गया रहता
ऐसे सिचुएशन को सोचिए और उसी में हम लोग काम करते हैं, अपने समय से निकाल कर किसी तरह से हम लोग काम करते हैं। असली तो सम्मान है आप सबों का, पब्लिक का, जो हम लोगों को सराहते हैं और हम लोगों को कहीं भी जाते हैं। अभी हम लोगों ने हृदय रोग का किया तो एक आदमी बाइक रोके और कहा कि सर आपको सैल्यूट करते हैं, लोग क्लिनिक पर बैठ के पेशेंट देख रहे हैं, लेकिन आप उसी में से समय निकाल कर अभी हृदय का कर रहे हैं। तो ऐसे लोग यदि दो चार दस हो जाए तो हमारा शहर संभल जाएगा। ऐसे हैं, हमारे सिवा और भी लोग हैं। तो वह सम्मान समारोह बहुत अच्छा लगा, उसमें विधान परिषद के सभाध्यक्ष भी थे और श्रीमती लेसी सिंह भी थी और चार पांच पद्मश्री विजेता थी। और जैसे एक वर्गीस मैडम से मैं प्रभावित हुआ, जो उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका दिया हुआ वक्तव्य था और उनके लिए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया। हम लोग उनको एक आदर्श के रूप में देखते हैं और हम लोग चिकित्सक हैं, लगातार समय नहीं मिल पाता है लेकिन जो भी समय मिलता है कुछ काम करते हैं और लोगों के दिल में बसते हैं। और हमें खुद अच्छा लगता है, जो हमारा नेचर है, जो हम लोग इंसान हैं, वो इंसानियत लगता है कि हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। आप लोग सभी आशीर्वाद दीजिए कि जो हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा कर पाएँ और हम लोग धीरे धीरे और अच्छे व्यक्ति बने, जो भी खामियां हैं वो भी दूर हो। धन्यवाद। जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से आप लोगों को क्या कहेंगे? मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि जो हम लोग समय निकाल कर लोगों को बताते हैं कि हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, स्पीड ओवर स्पीड से गाड़ी नहीं चलाएं, आग में बचने से लोगों को बचाएं, सर्वदल से बताते हैं गांव में घूम घूम कर कि झाड़ फूंक में नहीं पड़िए, तुरंत डॉक्टरी से इलाज करिए। बहुत ही मुश्किल से समय निकालते हैं, लोगों से अनुरोध है कि उस पर अमल करें और हम कुछ फिल्म भी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको लोगों को भेजें। और भेजने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी इसको देखते हैं उसको अमल करें। और जीवन जागृति सोसाइटी के तमाम जो सदस्यगण हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और समाज के प्रबुद्ध जनों का आभार व्यक्त करता हूँ जो हमें लगातार उत्साहित करते रहते हैं और हमारे कार्यों में हमें मदद करते हैं। धन्यवाद। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में डेवलपिंग ग्रांट विनिंग प्रपोजल बिल्डिंग राइट प्रस्पेक्टिव इन साइंस कम्युनिकेशन विषय पर दो दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय सबौर के छात्र वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया है। यह ट्रेनिंग लेने के बाद विश्वविद्यालय का चौमुखी विकास होगा। दरअसल इस ट्रेनिंग के बाद बाहर के प्रोजेक्ट को विश्वविद्यालय लाया जाएगा जिसके माध्यम से विदेशों से भी फंडिंग मिल पाएगी। इससे बिहार के किसानों को फायदा मिलेगा। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है लेकिन तकनीकी सुविधा अधिक नहीं होने के कारण यहाँ किसान समृद्ध नहीं हो पाए हैं। उन्हें पारंपरिक कृषि ही करनी पड़ती है जिससे अधिक मुनाफा नहीं हो पाता, लेकिन अब इस प्रशिक्षण के बाद विदेशों के प्रोजेक्ट को अपने देश में लाया जा सकेगा और उस तकनीक के माध्यम से कृषि चक्र में बदलाव की संभावना हो सकेगी। इससे अच्छा मुनाफा किसानों को हो पाएगा, साथ ही अपने प्रोडक्ट को विदेशों में निर्यात भी किया जा सकेगा। अच्छा, ये जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, हमारा साइंटिस्ट लोगों के लिए हम लोग दो दिवसीय एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वर्कशॉप का टाइटल ही है डेवलपिंग ग्रांट विनिंग प्रपोजल्स एंड बिल्डिंग राइट पर्सपेक्टिव इन साइंस कम्युनिकेशन। ये जो वर्कशॉप दो दिन के लिए हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से इस वर्कशॉप में डॉक्टर पी कृष्णन, जिन्होंने हमारा ICAR का जो सिस्टम है वहाँ से काम करने का बहुत एक्सपीरियंस भी है, लास्ट 20 ईयर्स उन्होंने उसमें काम किया। अभी उन्होंने डायरेक्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल का है, उन्होंने यहाँ पर हमारा साइंटिस्ट लोगों को ट्रेन करने के लिए आए हैं। ये ट्रेनिंग लेने के बाद हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो साइंटिस्ट है, ये लोग डिफरेंट जो फंडिंग एजेंसी होता है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फंडिंग एजेंसी है, वहाँ से अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के लेके आएगा, जो बिहार का जो किसान लोग है किसान के लिए इसका बेनिफिट मिलेगा। केवल बिहार का, इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर का जो भी फंडिंग एजेंसी है जैसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो फिलीपींस में सिचुएटेड है, वहाँ से भी प्रोजेक्ट आएगा और उस तरह का प्रोजेक्ट भी हमारे यहाँ चल भी रहा है। और ये छोड़ के IFFI है, वहाँ से भी प्रोजेक्ट हम लोग को साइंटिस्ट को मिल पाएगा इससे। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, दूसरी एक बात है
जो अभी के समय में साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग जैसे जर्नल में पब्लिश होता है, वो जर्नल पब्लिकेशन के लिए कैसे साइंटिस्ट लोग अच्छा अच्छा रिसर्च पेपर लिख पाए, इस बारे में इस वर्कशॉप में भी डिस्कशन होगा। और दो दिवसीय जो हमारा वर्कशॉप चल रहा है, इस वर्कशॉप सेकेंड डे मैंने कल 18 तारीख को हमारा MSc PhD का जो भी स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम कुल मिला के यही बोल सकते हैं डॉक्टर पी कृष्णन जिन्होंने हमारा यहाँ आए हैं जो ट्रेनिंग देने के लिए साइंटिस्ट के लिए और स्टूडेंट के लिए, अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी नहीं यहाँ का जितना किसान है उन लोगों को भी बेनिफिट आएगा और उसके साथ हमारा जितना जो स्टूडेंट भी है उन लोगों को भी बेनिफिट होगा। क्यों, ये लोग बाहर से जितना भी प्रोजेक्ट आता है इस प्रोजेक्ट में इन लोगों को भी काम करने का भी मौका मिलता है। ओके, भूमिहीनों को अपीलीय प्राधिकार के दो बार आदेश होने के बावजूद अभी तक नहीं बसाया गया है, ना ही इस पर कोई ठोस कदम उठाया गया है, जिससे भूमिहीन कई परिवार दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। गौरतलब है कि 92 भूमिहीनों को बसाने का आदेश दे दिया गया था, परंतु भूमिहीनों का कहना है कि हम लोगों को निचले स्तर के कर्मचारी व पदाधिकारी सिर्फ बरगलाने का काम करते आ रहे हैं, टाल मटोल करने का काम करते आ रहे हैं, प्रत्येक दिन आजकल किया जाता है, जिससे हम लोग काफी परेशान हैं। इसको लेकर झुग्गी झोपड़ी मंच के कई कार्यकर्ताओं ने कई पदाधिकारियों से मिलकर इसकी बात रखी, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाने के चलते झुग्गी झोपड़ी मंच के द्वारा सभी भूमिहीन व झुग्गी झोपड़ी मंच के कार्यकर्ता ने एक निर्णय लिया कि 19 जुलाई को सभी भूमिहीन धरना व जुलूस प्रदर्शन करेंगे, जिसका लिखित आदेश आयुक्त वरीय प्रशिक्षक अनुमंडल पदाधिकारी अपर समाहर्ता को उन लोगों ने दे दी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए झुग्गी झोपड़ी मंच के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता, वैजू चौधरी, गोपी यादव सबों ने एक सुर में कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा और जब तक भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल जाती तब तक जहां वो रह रहे हैं वहां रहने से भूमिहीनों को परेशान ना किया जाए। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर भागलपुर पहुंचे, वहीं कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। भागलपुर नगर निगम मायागंज अस्पताल सदर अस्पताल के तहत काम करने वाले सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर उनका घेराव किया। सफाई कर्मियों ने कहा कि हम लोग विगत 18 वर्षों से भागलपुर में सफाई कर्मी का काम करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का अभी तक स्थायीकरण नहीं किया गया है, न ही समय पर वेतन मिल पाता है, साथ ही हम लोगों को बेवजह परेशान भी किया जाता है, हम लोगों को शोषित किया जाता है, जिससे लोगों को निजात दिलाया जाए। वहीं बांका भागलपुर के प्रदेश सचिव सह प्रभारी डॉक्टर संजय बाल्मीकि ने बताया कि हम लोगों ने उमेश सिंह कुशवाहा से अपनी मूलभूत सुविधाओं अपने सम्मान के लिए वार्ता की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि संविधान और देश की लड़ाई में हम आपके साथ हैं, आपको आपका हक दिलाकर रहूंगा। उमेश सिंह कुशवाहा के आश्वासन पर सफाई कर्मी अपने काम पर लौटे और उन्हें उमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा दिए गए आश्वासन से उम्मीद है कि उन्हें वरीय पदाधिकारियों द्वारा शोषित और उपेक्षित नहीं किया जाएगा। क्या कहना था? ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय नीतीश कुमार के सम्मान में सफाई कर्मचारी मैदान में अभी जो BJP RSS जो है संविधान बदलने जा रही है और जो बाबा साहब का संविधान है जो तोड़ने का फैसला चल रहा है, तो हमारे नेता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नीतीश कुशवाहा आज पटना आए और सारे बिहार के सफाई कर्मचारी यूनियन के नगर निगम हो या मेडिकल कॉलेज हो या आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी है अपने मांगों को लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री समर्थन में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को रखें और बोले कि ये संविधान अपने हक के लिए आए थे। क्या आप किस प्रकार का हक मांग रहे हैं? हम लोग साफ सफाई कर्मचारी है, तो ये जरूरी नहीं है कि खाली सफाई कर्मचारी खटते जाए, ये जरूरी है कि उसको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग भी तो अपना मान सम्मान के लिए खोजेंगे ना कि हम लोग को भी मान सम्मान मिला जाए, सब चीज मिले हम लोग को, जितना मतलब जो मतलब आते हैं टेंडर वाला, जैसे लेट से आए घर जो काम हाजिरी नहीं मिलती तो 5 मिनट लेट आए चल लो जाओ बैठा देवे, या कोई मर गया तो जा रहे कल से ड्यूटी नहीं आइयो, ये कोई बात हुआ?